हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चिकन पकौड़े की रेसिपी, बिल्कुल शादियों में बनने वाली चिकन पकौड़े की रेसिपी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। अगर आपको मेरी ये चिकन पकौड़ा की रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे खाने के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा चिकन पकौड़ा बनकर कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हम बोनलेस चिकन ले लिए हैं जिसे हम बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और इसे हम इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। हम यहाँ पे आधा नींबू ले लिए हैं। नींबू को बहुत अच्छी तरह से हम इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। आप यहाँ पे नींबू के रस के बदले में यहाँ पे विनीगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। ये डालने के बाद से हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कलर के लिए हम यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सोया सॉस डाले हैं हम इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर। इसके अंदर आप थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाल दें और हम इसके अंदर डालेंगे तीखी लाल मिर्च पाउडर थोड़े स्पाइसेस के लिए। हम यहाँ पे तीखी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रहे हैं और थोड़ा अच्छा कलर आने के लिए हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हम लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं। हम यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम ना अदरक का, यहाँ पे सिर्फ हम लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो इसमें हम पहले 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। तो इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाले हैं। इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। हम मैदा भी इसमें 2 चम्मच ही डालेंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन भी यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दें। इसमें नमक भी ऐड कर दिए हैं। अभी इसके अंदर हम 1 अंडा डालेंगे। आप अंडा ज़्यादा ना डालें, बस इसमें आप ज़रूरत पड़े बस बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। ज़्यादा अंडा डालने से पकौड़े जो है हमारे अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वो पूरा फैल जाता है ऑयल में जाने से। इसलिए हम इसके अंदर बस 1 ही अंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें डालकर हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एकदम प्रॉपर मिक्स करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने इसे कितनी अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लिए हैं। पूरा यहाँ पे पकौड़ा बनने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमने पकौड़े को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिए पकौड़े बनाने के लिए। आप इसे चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप चिकन ऑलरेडी फ्रिज में रखे थे उसके बाद आप अगर पकौड़ों में मैरिनेशन करते हैं तो इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं रखे हैं तो आप इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रखें। उस तरह से जो चिकन पकौड़ा होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो चुका है और हम यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं और तेल भी यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम एक एक करके सभी पकौड़ों को डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, तेल को बहुत अच्छी तरह से हीट गर्म करके आप यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम करके उसके बाद यहाँ पे सारे पकौड़ों को डालना शुरू करें और इन पकौड़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से तल लेना है। इसका कलर चेंज होने तक मीडियम फ्लेम पर ही हम पकौड़ों को तलेंगे। तो आप इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए पकौड़ों को तलें। इसका
का भी कलर थोड़ा और चेंज होगा, अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा चिकन का जो कलर है बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, और यहाँ पे पकौड़े भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो हम इसे निकाल देते हैं पहले इस तरह से। अब आइए इसे हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म चटनी के साथ। पकौड़ों को सर्व कर दिए, हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी नमक डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर से हम इसे सर्व करेंगे। और यहाँ पर हम चटनी भी ले लिए हैं, तो बन के पकौड़ा रेडी है।